आई नो कॉलेजेस हैव स्टार्टेड फॉर सम इट्स फन क्योंकि फर्स्ट ईयर होगा कॉलेज का फर्स्ट सम इट बी लाइक यार फिर वेकेशन खत्म हो गया रिगार्डलेस जाना तो पड़ेगा सो वाई नॉट हैव फन विद इट आई फाउंड लाइक लॉट्स ऑफ टॉप्स 100 rupees 500 जो ऑब्वियसली सिर्फ कॉलेज नहीं दे आर वेरी मॉडेस्ट तो आप कहीं भी पहन सकते हो फॉर योर कैजुअल वेयर और सम माइट इवन वर्क फॉर योर ऑफिस सो लेट्स बिगिन दिस ह्यूज टॉप्स हॉल फ्रॉम नायका फैशन येस आई वॉन्ट टू ट्राई अ न्यू प्लेस सो आई कैन गिव यू अ रिव्यू एंड आई डेफिनेटली हैव सम ओपिनियंस अच्छा पहले मैं टॉप्स दिखाती हूँ देन आई टेल यू ऑल अबाउट माय एक्सपीरियंस द फर्स्ट वन इज दिस ब्लैक टॉप ये फुल स्लीव है बट ट्रांसपेरेंट स्लीव्स है इसकी सो इफ यू लाइक ड्रेसिंग इन अ लिटिल एजी मैनर यू विल एंजॉय दिस बेस्ट पार्ट इज की वेस्ट कमर के यहाँ पे ना इतनी बड़ी इलास्टिक है लाइक द स्मोकिंग सो द फिट इज गोना बी परफेक्ट एंड ऊपर से इट्स अ लिटिल बलून लाइक सो इट्स गोना गिव यू सच अ नाइस फिगर एंड सिलुएट वैसे तो ड्रेस कोड्स ब्रेक नहीं करना चाहिए बिकॉज नेक भी ऊपर है इसका स्लीव्स भी पूरी है एंड इट स्लाइटली क्रॉप्ड है सो मेक श्योर यू वेयर समथिंग हाई वेस्टेड इसके साथ आई गॉट दिस ओनली फॉर ₹390 फॉर कम्फर्ट एक्चुअली टुडे आई एम वेयरिंग अ स्पोर्ट्स ब्रा जो टी बैक में है इसलिए यू विल सी दैट इन सम ऑफ द टॉप्स बट व्हेन यू वेयरिंग इट मेक श्योर टू वेयर इट विद अ टी शर्ट ब्रा व्हिच हैज स्ट्रैप्स ऑन द एज ताकि बैक से भी नथिंग इज विजिबल और इवन इफ इट्स विजिबल इट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट इन केस यू वॉन्ट दैट लुक देन अ टी शर्ट ब्रा विल सॉल्व द पर्पज ऑफकोर्स द टॉप आई एम वेयरिंग इट्स ऑल्सो फ्रॉम नायका फैशन आई लव दिस ब्यूटिफुल ग्रीन कलर इट्स सच अ नाइस प्ले बिकॉज ये ब्राइट भी नहीं है पेस्टल भी नहीं है इट्स अ रॉयल कलर स्कीम वाला मेहंदी ग्रीन सॉर्ट ऑफ इट हैज छोटू छोटू फ्लावर्स ऑल ओवर इट एंड अगेन द फिट इज वेरी नाइस स्नैच फ्रॉम द वेस्ट छोटी सी पेपलम टाइप फ्रिल है देयर इज एन इलास्टिक ऑन द स्लीव ऑल्सो एंड ऑन द वेस्ट ऑल्सो तो वो एक्स्ट्रा फिटिंग अच्छे से आ जाते हैं सो यू कैन इजिली साइज अप इन ऐसे टॉप्स क्योंकि आपको पता है कि एंड से तो ये ऐसा हैंग नहीं करने वाला वन थिंग इज इसकी लेंथ काफी छोटी है लाइक मॉडल में लंबी लग रही थी माई बस साइज इज अराउंड 34 to 36 एंड बिकॉज ऑफ दैट काफी फैब्रिक कंज्यूम हो जाता है सो कीप दैट इन माइंड व्हेन यू आर ऑर्डरिंग लार्ज एक्सएल ये सब में थोड़ा ऊपर चले जाता है टॉप सो एनी हाई वेस्टेड पैंट के साथ दिस विल वर्क फॉर कॉलेज इज वेल ये टॉप था ₹449 के लिए नाउ पर्सनली आई एम अ सकर पेस्टल कलर्स के लिए क्योंकि वो बहुत ही ठंडक देते हैं इतने प्यारे लगते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजी महा इजी टू स्टाइल सो दिस टॉप फ्रॉम रियो आई फेल इन लव जब मैंने इसे देखा ये लार्ज साइज में है एंड इसमें शोल्डर डिटेलिंग भी बहुत सुंदर है लाइक दिस इज अ स्लाइट ड्रामा टू इट स्लीव्स में देयर इज नो इलास्टिक बट इट स्टिल फिट मी वेल एंड नीचे से देयर इज अ पेपलम इफ यू कॉन्शियस ऑफ योर टमी एरिया अगर आपको बॉडी फिटिंग टॉप्स नहीं अच्छे लगते देन पेपलम इज ग्रेट आपकी वेस्ट को अच्छा शेप देने के लिए इट मेक्स यू लुक अ लिटिल स्लिमर बट आई डोंट वांट टू फील दैट मेंटालिटी की स्लिमर इज बेटर नहीं बट अगर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है देन पेपलम इज अ नाइस शेप टू ट्राई आउट इसका मटीरियल बहुत थिक है सो डोंट वेयर दिस इन समर्स आप गर्मी में मर जाओगे बट फॉर विंटर्स और एनी एयर कंडीशन स्पेस के लिए ये टॉप बहुत सही रहेगा दिस आई गॉट फॉर ₹442 एंड पिक्चर में बहुत लाइट लग रहा है बट इन रियलिटी इसका कलर एक्चुअली प्रॉपरली ब्लू दिख के आ रहा है ऑल माई इंडियन वेयर लविंग गर्लीज दिस टॉप इज अ ड्रीम क्योंकि इतना प्यारा इसका कट है इसकी प्रिंट भी बहुत सुंदर है ब्लू एंड व्हाइट बेसिकली जो इंडिगो कलर स्कीम है इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट एंड दिस टॉप इज लाइक अ शॉर्ट कुर्ती इट सेल्फ देयर इज अ ब्यूटिफुल रफल वर्क ऑन द स्लीव एंड ऑन द बस्ट एरिया व्हिच डिवाइड्स द टू एंड इतना फ्री फ्लोइंग है वेरी कंफर्टेबल एंड कम्प्लीटली मॉडर्न सो नो रूल्स आर ब्रोकन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस इज द मटीरियल थोड़ा पॉलिएस्टर वाला फील है बट ये काट नहीं रहा था व्हेन आई ट्राइड इट ऑन सो एटलीस्ट इट वोंट बी इरिटेटिंग बट हाँ वो कॉटन वाली कंफर्ट नहीं है इसमें बट इफ यू लाइक द लुक यू नीड टू गो फॉर दिस बिकॉज इट्स अमेजिंग ये टॉप था ₹450 का सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई वुड वेयर स्ट्राइप्स अ लॉट बिकॉज आई थिंक वो बहुत स्मार्ट लगता है प्लस विद डेनिम एंड स्ट्राइप्स दैट कॉम्बो इज सॉर्टेड ज्यादा लाइक एट 5:30 AM इन द मॉर्निंग कितना ही दिमाग चलेगा सो दिस वाज माय गो टू कॉम्बो व्हाट आई लव अबाउट दिस टी शर्ट इज द फैब्रिक बिकॉज इतना सॉफ्ट है इट फॉल्स सो वेल ऑन द बॉडी लाइक यही फैब्रिक में अगर और कलर्स होते ना मैं पक्का ले लेती स्लीव्स आर नॉट अनोइंगली लॉन्ग दे एंड जस्ट रिस्ट की यहाँ एंड नेकलाइन भी काफी अच्छी है बोट नेक है सॉर्ट ऑफ सो अगेन वेयर अ लॉन्जरी पीस विच हैज द स्ट्रैप्स थोड़ा वाइड अपार्ट ब्लैक एंड व्हाइट है क्लासिक है आई नो थोड़ा जेल वाइब भी दे सकता है बट जोक्स अपार्ट आई रियली लाइक दिस टी शर्ट दिस वॉज फॉर ₹480 एंड मैंने एक्सेल साइज में ही लिया बिकॉज थोड़ा ओवर साइज ही पहनना अच्छा लगता है मुझे आजकल बट इफ यू वॉन्ट मोर फिटेड बाय ट्रू टू योर साइज नाउ वी हैव वन ऑफ माई फेवरेट स्टाइल्स इन अ टॉप विच इज अ रैप
अराउंड टॉप. अब मुझे रैप अराउंड टॉप्स इसलिए अच्छे लगते हैं बिकॉज दे फिट टू योर बॉडी परफेक्टली. लाइक द होल मैकेनिज्म ओनली वर्क्स लाइक दैट कि एक फ्लैप यहाँ से गया, एक फ्लैप यहाँ से गया एंड यू जस्ट टाइट. बट द प्रॉब्लम विद दिस टॉप इज इसकी स्लीव्स में तो मतलब सांस ही आना बंद हो जाएगी, देयर दैट टाइट. इवन दो दिस इज लाइक अ लार्ज आई थिंक, या इट्स अ लार्ज एंड द स्लीव्स आर टू स्मॉल. द मॉडल इन द पिक्चर वाज वेयरिंग अ स्मॉल, सो आई मीन द आर्म साइज मेड सेंस बट दिस एब्सोल्युटली डिड नॉट मेक सेंस, व्हिच इज व्हाई आई एम सो ब्रूटली ऑनेस्ट इन माय वीडियोस. बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये टॉप बहुत अच्छे से बनाया, लाइक द लूप्स आर देयर, इट फिट्स वेल एंड इफ यू स्टिल गो फॉर दिस देन यू कैन ऑल्सो पुट अ टिच बटन लाइक अ टिक टैक बटन और यू कैन पुट अ सेफ्टी पिन एट द नेक लाइन इफ यू डोंट लाइक इट टू बी दैट डीप. आई डोंट माइंड इट जनरली बट इफ यू गोइंग फॉर लाइक अ मीटिंग ऑर फॉर कॉलेज देन यू कैन डू दैट. मटीरियल इज क्वाइट नाइस, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लैक एंड व्हाइट पोलका डॉट प्रिंट, तो वो भी काफी अच्छा लगा मुझे. आई जस्ट विश द स्लीव्स अ बिगर देन आई कुड हैव केप्ट इट. अभी तो रिटर्न करना पड़ेगा. व्हाइल वी आर स्टिल डिस्कसिंग रैप अराउंड टॉप्स, मैंने एक और ट्राई मारी बिकॉज इन द पिक्चर इट लुक्ड फैबुलस. दिस इज लाइक अ नाइस पोलो नेकलाइन वाला टी शर्ट बट व्हेन इट केम ना ये ऐसे आया. मैंने सोचा कि आई हैव नॉट ऑर्डर्ड एनीथिंग दिस ओपन बिकॉज आई नो दिस वर फॉर अ पर्पस जो मॉडेस्ट होना जरूरी है, नॉट लाइक दिस. देन आई सॉ द पिक्चर एंड फिगर्ड कि अच्छा इसको तो ऐसे टाई करना है बट यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस टॉप बिकॉज इसमें कहीं भी ऐसा कुछ सिक्योरिंग का फैसिलिटी नहीं. लाइक द मोमेंट यू गोना पुट योर हैंड्स अप वो टॉप ऊपर चढ़ेगा एंड यू विल क्लियरली हैव अ पैनल ऑफ स्किन शोइंग थ्रू. सो रिगार्डलेस ऑफ वेर एवर यू प्लान टू वेयर इट दिस इज नॉट गोना स्टे इन प्लेस, मतलब जैसे आप पहनोगे वैसे ही टिकने नहीं वाला. सो अनफॉर्चुनेटली इट डिडंट वर्क आउट, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस बिकॉज ऑफ दिस सेम इशू. वरना तो यार इसका फिट और बाकी सब बहुत प्यारा था. सो आई रियली विश दिस वुड हैव वर्कड आउट. एंड वाइट टॉप्स अंडर अ बजट आई एम ऑलवेज ऑन द हंट फॉर बिकॉज वाइट थिंग्स गेट डर्टी लाइक दिस, सो माइट एज वेल जस्ट यू नो बाय इट अंडर द बजट. आई थिंक द वन ट्रेंड दैट्स ओन्ड बाय कोमल पांडे इज मिडरिफ फ्लॉसिंग. मिडरिफ फ्लॉसिंग मतलब यू हैव लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑन अ टॉप एंड यू टाइट ऑन योर वेस्ट. नाउ आई नो व्हाट यू थिंकिंग कि मॉडेस्ट में कैसे हो सकता है. वेल इवन आई डिडंट थिंक अंटिल नाउ दैट कुड बी डन. सो आई फाउंड दिस टॉप लाइक अ टी शर्ट which is cropped but it's not that cropped ki wo sirf bust area pe khatam ho jayega, it actually comes till the waistline and then of course we have the strings which we have to tie around the waist and ye itni lambi hai ki do rounds bhi ho jate hain. If your college or if the place you're going to allows it you can actually tie it as it is and agar directly like cropped tops pehna possible nahi you can also actually tie it on your bottoms na on anything high waisted. So this is such a fresh new concept, I loved it and the t-shirt itself is very stretchy and comfortable. Ye tha for 480 रुपीज. दिस टॉप ना मैं बहुत एक्साइटेड थी ट्राई करने के लिए बिकॉज अपटाउन ही से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड बिकॉज आई हैड ऑर्डर्ड डबल एक्सएल एंड दे हैव सेंट अ स्मॉल बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर अ नाइस ओवर साइज बॉक्सी टी शर्ट बट ये मैं ट्राई ऑन भी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ये बहुत ज्यादा टीनी मीनी छोटू सा है. एल का एक्सएल या एक्सएल का डबल एक्सएल समझ सकते हैं बट देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन स्मॉल एंड टू एक्सएल. लाइक यू कैन सी द स्क्रीन शॉट ऑफ व्हाट आई ऑर्डर्ड बट दिस आई एम डेफिनेटली गोना गेट इट रिटर्न्ड ओनली बिकॉज द फैब्रिक फील्स अ लिटिल रफ सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना एंजॉय इट. मतलब ये लूज नहीं आएगा, वो बॉक्सी फिट नहीं देगा बिकॉज ये फुल पॉली वाला फैब्रिक है. सो आई गेस वील हैव टू ट्राई समथिंग एल्स फ्रॉम अपटाउनी बट दिस कलर इज सो प्रिटी विद प्लेन ब्लैक लेगिंग्स और विद अ नॉर्मल पेयर ऑफ डेनिम्स एंड स्नीकर्स दिस वुड हैव लुक्ड ग्रेट. ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि आई एम अ कैट पर्सन और अ डॉग पर्सन. नाउ आई लव बोथ बट रिसेंटली आई हैव डेवलप्ड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कैट्स. As I said, I love white t-shirts on a budget, but this one is minimalistic with a little bit of character. Like that's such a nice conversation starter. Ki, oh my god, that's such a nice t-shirt. Do you love cats? Aise karke, you know, you may make new friends or you may find someone special. But coming back to the t-shirt, quality bahut zyada achhi hai. It's thick, it's opaque. Yeah, it was soft and comfortable to wear. This is from the brand Miss Chase, and that's why I shopped from a different app because Myntra pe ek fixed set of brands hote hai, like Roadster hota hai, Tokyo Talkies hota. But all of these brands were not there on Nykaa Fashion. A whole new set of clothing lines we can try from. This was for 495 rupees and it's worth it. With so much Barbie hype going on around, I had to order one pink t-shirt. बहुत प्यारा लगा बिकॉज ऑफ दिस रफल स्लीव. इयर्स अगो आई थिंक इन वन ऑफ माई फर्स्ट जारा हॉल्स मैंने ऐसे सिमिलर टी शर्ट लिया था तो काफी नॉस्टैल्जिया भी दे रहा था. अनफॉर्चुनेटली इसकी फिट मुझे सही नहीं लगी बिकॉज इट वॉज अ लिटिल टाइट फ्रॉम द बस्ट बट टू लूज फ्रॉम द वेस्ट. मतलब आई डोंट थिंक इट फिट माई बॉडी परफेक्टली बट द टी शर्ट इज टू गुड यार. बट आई एम श्योर की इट विल फिट किसी और बॉडी टाइप पे बेटर, लाइक मम्मी को अच्छे से आ सकता है या और भी पॉसिबिलिटीज है. बट फैब्रिक इज गुड
एंड दिस लाइट डिटेलिंग इज अ नाइस वे टू वेयर अ सॉलिड टी शर्ट बट विद लिटिल बिट ऑफ एलिमेंट. ये 450 रुपीज का था एंड आई ऑर्डर दिस इन अ साइज लार्ज. आई लव ब्लैक टॉप्स बिकॉज अंदर कोई भी लॉन्जरी पहन सकते हैं. प्लस दिस ब्लैक टॉप हैज अ ब्यूटिफुल कट. द स्लीव्स आर सो फ्लोई. अंडर द बस्ट द सीम इज परफेक्ट. मतलब इसका सिलुएट बहुत ज्यादा अच्छा है एंड दिस टॉप कैन इजिली बी वोन फॉर फॉर्मल वेयर एज वेल. कैन बी वोन टू ऑफिस विद अ नाइस पेयर ऑफ ट्राउजर्स और बाहर जाने के लिए भी डेफिनेटली पहन सकते. तो ये टॉप इज इन माई टॉप 3 बिकॉज इट्स टू प्रिटी. एग्जैक्टली 500 रुपीज का था एंड आई एम सो सो ग्लैड आई फाउंड इट. अगर एक चीज इसमें बेटर हो सकती थी वो था बटन्स. बटन्स ना थोड़ी शाइनी और प्लास्टिक की फील दे रहे हैं. अगर ये मैट फिनिश या इस पे भी कपड़ा लपेटा हुआ होता तो काफी अच्छा लगता. लाइक इफ द होल थिंग वॉज कवर्ड. लेकिन उसको नजरअंदाज कर सकते हैं बिकॉज ओवरऑल ये बहुत ज्यादा अच्छा है. अनदर ब्रांड दैट आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक इज बेवकूफ. एंड इसका ये टी शर्ट सेट द स्टैंडर्ड हाई बिकॉज इट्स ग्रेट. इसमें पूरे पे वॉट एवर लिखा है जो पहनने के बाद मुझे प्रिंट इतनी पसंद नहीं आए बट द फैब्रिक फील्स वेरी वेरी सॉफ्ट. आई डोंट नो कि वॉश करके कितना लास्ट करेगा वो चेक करना पड़ेगा. ग्राफिक टी शर्ट्स आर वेरी फन टू स्टाइल स्पेशली कॉलेज के टाइम पे तो बहुत मजा आता है. बट इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है सो आई डिडंट माइंड पेइंग दैट मच फॉर दिस. इट बी फन टू स्टाइल एंड इज अ ब्रांड दैट आई लव एंड आई एब्सोल्युटली डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इस वीडियो में एंड का कोई भी क्लोथिंग आइटम होगा बिकॉज दे आर क्वाइट प्राइसी. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अगर इसका भी मैं प्राइस चेक करूँ इट इज फॉर 1300 फॉर दिस टॉप. बट नायका फैशन does have a lot of sales so that's when we scored this amazing top. Now pastels as I told you bahut zyada pasand hai mujhe so this pastel yellow is the top of my dreams kyunki yellow mera favorite color hai. Now is pe elastic hai sleeves pe bhi and on the waist it's not hugging the body but it's still fitting well so wo balance bahut hi acha hai. I don't like the bow iske aage kyunki wo properly stitched nahi hai so I think I'll try to remove it but agar nahi hoga to main isko shayad khol hi dungi. That's better I guess. ये ट्रांसपेरेंट है लाइक आई कुड सी द सीम्स ऑफ माई अंडरगार्मेंट्स फ्रॉम दिस सो इफ दैट मेक्स यू कॉन्शियस वेयर अ कैमिसोल इसके साथ. बट द फैब्रिक इज बहुत ही ठंडा बहुत अच्छा लगेगा. लाइक दिस कैन बी वोन थोड़ी गर्मी में भी क्योंकि इसका फैब्रिक बहुत ब्रीदेबल है. इन दिस सेल लिटरली हमें ऑलमोस्ट 1000 रुपए ऑफ मिल गए. ये सिर्फ 390 रुपीज का मिला. नाउ दिस टॉप इज द मोस्ट वेल मेड टॉप इन दिस वीडियो. ये है फ्रॉम लैटिन क्वार्टर्स एंड इसकी स्लीव्स इसका प्रिंट डबल लाइनिंग फैब्रिक सब मतलब इमैक्युलेट. इसकी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी है. इवन ऑन द बटन्स पूरा फैब्रिक से कवर्ड है. इट्स फ्लोरल सो इट्स वेरी नाइस फॉर अ डे टाइम आउटिंग. लंच पे जा रहे हो तो भी बहुत अच्छा लगेगा एंड विद डेनिम्स दिस विल लुक सुपर्ब. आगे एक छोटी सी बो भी है. दिस इज लाइक पेपलम फिट टू दिस सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गर्ली फेमिनिन एंड अ वेरी प्रिटी टॉप. दिस वॉज फॉर ₹495. दिस इज वन ब्लू टॉप जो मैंने ट्राई किया. अभी आई कांट फाइंड इट बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिटर्न पीरियड भी ओवर हो गया है एंड इट्स नॉट द बेस्ट. इसका लुक देख के फ्रॉम द पिक्चर आई वॉज ब्लोन अवे की दिस लुक सो फन की इंडियन कुर्ते जैसे प्रिंट है बट इन अ टी शर्ट फॉर्मेट. बट वेन इट केम मटीरियल ना थोड़ा दरदरा सा था सो इट वॉज ऑलरेडी मेकिंग मी फील अ बिट इची एंड इट वॉज जस्ट टू स्नग एंड ऑलरेडी देयर वाज सम ग्रे पैचेस ऑन दिस सो आई डिड नॉट एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ दिस एंटायर टॉप बट वुड नॉट रिकमेंड दिस. यही प्रिंट में अगर कॉटन टॉप मिले तो बेटर है बट दिस पर्टिकुलर टॉप नॉट सो श्योर. पेड 480 रुपीज फॉर दिस बट अब क्या कर सकते हैं. आई थिंक एंड दिस इज वेरी टाइट सो ये है मीडियम साइज में बट ओनली समवन विद एन एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल साइज विल बी एबल टू वेयर इट. सो आई थिंक आई विल फाइंड अ बेटर होम फॉर दिस टॉप इन दैट साइज रेंज. द लास्ट टॉप ओ माई गॉड दिस इज द ओनली टॉप जो बजट के ऊपर गया है बाय 1 रुपी. ये 501 रुपीज का मैंने लिया था. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड IVF एंड वाई आई लव दिस इज द नेकलाइन. स्क्वायर नेकलाइंस आर सो फ्लैटरिंग बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है एंड इफ यू वेयर लाइक अ डेंटी नेकलेस इट लुक्स इवन बेटर. दिस इज क्रॉप बट नॉट दैट क्रॉप लाइक मिड वेस्ट जो जीन्स होती है ना उस पर भी बिल्कुल तमी शो नहीं करेगा एंड दैट्स वाई इट्स लाइक द परफेक्ट ब्लैक रिप्ड टी शर्ट विच इज लाइक स्नग प्रिटी एंड कैन बी वोन विद स्कर्ट्स एज वेल. तो ये बहुत ही ज्यादा मल्टीपर्पज है. लव द कट ऑफ दिस एंड 501 रुपीज is a great price for this. Now coming to mera experience on Nykaa Fashion, I love shopping on Nykaa Fashion kyunki variety mujhe better lagti hai compared to Myntra and Ajio. Pehle na ek ek mahina lagta tha delivery ke liye. Like it used to show 1 week but aata tha ek mahine baad. I did not face that this time. It was very quick and somewhere before time as well. One thing
वन थिंग जो मुझे सबसे डिसअपॉइंटिंग लगी अबाउट दिस एप्लीकेशन इज द रिटर्न पीरियड. मेजॉरिटी आइटम्स का सिर्फ 1 वीक रिटर्न पीरियड है. पर्सनली मुझे वो नहीं पसंद आया. मिंत्रा पे देयर इज इनफ टाइम. आई वॉज आउट ऑफ टाउन फॉर लाइक 5-6 डेज. तो तब जो आई हुई चीजें थी ना, आई बेरली हैड लाइक 1 डे टू क्विकली लाइक ट्राई इट ऑन एंड चेक इट. आई थिंक दैट डेफिनेटली कैन इम्प्रूव. बाकी सब लाइक इफ यू आर इन टू फैशन, आई थिंक यू विल एंजॉय शॉपिंग अ लॉट ऑन नायका फैशन बिकॉज डील्स भी अच्छे होते हैं. दे हैव ऐसे ऐसे ब्रांड्स जो ना कभी पहले देखे हैं एंड ना कोई और प्लेटफॉर्म पे है. दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रांड्स. सो आई लव दैट अबाउट दिस. आई थिंक आई शुड ट्राई सम लाइक इंडियन डिजाइनर्स नेक्स्ट, विच लाइक सूट्स ट्राई कर सकते हैं बिकॉज अब फेस्टिव सीजन तो शुरू हो जाएगा. सो लेट मी नो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो. बट इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वन, यू नो व्हाट टू डू. गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ यू डू नॉट एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो, बिंदास गिव इट अ थम्स डाउन. आई विल सी यू इन अ ब्रांड न्यू वीडियो वेरी वेरी सून. अंटिल देन, गुड बाय.